हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल का और एक नया फ्रेश ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों फिलहाल आप लोग टाइम देख सकते हो और अभी है ड्यूटी जाने का टाइम। और दोस्तों ड्यूटी करते करते और एक जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी बढ़ चुका है। मुझे पता नहीं दोस्तों उस जिम्मेदारी के लिए मुझे अलग से कंपनी से पैसा देगा या नहीं। वो कैसा जिम्मेदारी है दोस्तों, बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी मुझे दिया है। आप लोग ये देख सकते हो, ये एक कुरियर है और इसके अंदर दोस्तों एक सामान है और जो कंपनी है वो कंपनी का नाम भी देख सकते हो, ये देख सकते हो। और ये दोस्तों बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है और इसको सही जगह पे देने का जो काम है वो काम फिलहाल मेरे पास है। मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ से मुझे दिया है और इसको सबसे पहले देंगे। देने के बाद दोस्तों काम पे जाएंगे और काम पे जाने के बाद दोस्तों और ठीक ऐसा ही दोस्तों और एक जो कुरियर है वो कुरियर फिलहाल रेडी है तो उसको भी सही जगह पे पहुँचाना है। तो आप लोग देखते रहे ना। और कितने दूर दोस्तों मेरे घर से जाना पड़ेगा वो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक साइड पे या पूरा मेन पेज पे दिखा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि कितना दूर है, वो 22 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। और यहाँ से लगभग दोस्तों बाइक से 22 मिनट तक दिखा रहा है कि बाइक से 22 मिनट तक गाड़ी में जो बाइक है वो चलाना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर जाके पहुँचूँगा। तो देखो दोस्तों 10 किलोमीटर दूर है जहाँ पर मेरा घर है वहाँ से। और उसके बाद दोस्तों कहाँ पर ड्यूटी है वो तो शायद आप लोग जानते हो कि मैं कहाँ पर ड्यूटी करता हूँ, नहीं है दोस्तों। तो फिर भी मैं आप लोगों को जो गूगल मैप है उसमें दिखा दूँगा क्योंकि दोस्तों बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं खाना वाना खा के रेडी हो चुका हूँ और बैग भी रेडी है और अभी लेना है दोस्तों टिफ़िन। तो टिफ़िन लेकर दोस्तों निकल जाएंगे। और कितने बजे दोस्तों आते आप लोग शायद देख चुके हो, 11 बज जाएगा और अभी बज रहा है 12। तो आप लोग सोच सकते हो कितना टाइम जो है दोस्तों वहाँ पर काम करना पड़ता है और फिर घर आना पड़ता है। तो चलो फिलहाल निकलते हैं और अभी डैड भी घर पे आ चुका है। और सबसे पहले दोस्तों जो बाइक है वो बाइक बाहर निकलना पड़ेगा, फिर टिफ़िन लेना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ से निकल जाएंगे जो कुरियर है वो कुरियर सही जगह पर देने के लिए। दोस्तों घर से निकल चुके थे तो देखो जो मानिक बैग है वो घर पर ही थे तो इसलिए बैग करके आ चुका हूँ इसको लेने के लिए। चलो निकलते हैं। और दोस्तों ATM से भी पैसा जो है वो भी निकलना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों जो काम है वो काम नहीं कर पाएंगे। चलो निकलते हैं फिलहाल। तो ये दोस्तों फिलहाल जो कुरियर है वो कुरियर लेके आ चुका हूँ और थोड़ी ही दूर जो जाना है वो जाना बाकी है और थोड़ी ही दूर यहाँ से 100 मीटर या 150 मीटर होगा। तो वहाँ पर जाके फ़ोन करेंगे और फ़ोन करने के बाद दोस्तों आएगा आके कुरियर लेके चला जाएगा। लेकिन दोस्तों देखो कैसा रास्ता है, जो ईटा वीटा होता है उसका ही रास्ता है। तो चलो दोस्तों फिलहाल जो कुरियर है वो कुरियर दे के जाते हैं ड्यूटी पे। और कुरियर देना भी बहुत ही बड़ा थकान वाली काम है। तो चलो फिलहाल निकलते हैं और देने के बाद दोस्तों आप लोगों के साथ फिर से बात करेंगे। तो ये दोस्तों फाइनली जो कुरियर था कुरियर देके आ चुका हूँ। और दोस्तों कुरियर देना भी क्या बताऊँ, एक बहुत दिक्कत भरी कहानी है इसमें। हर किसी के पास पूछना पड़ता है कि ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा, ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। और ये जो कहानी है इसके बारे में नेक्स्ट एक व्लॉग में पूरा का पूरा डिटेल से बताएंगे। तो मैं फ़िलहाल जाता हूँ जाके दोस्तों जो यहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर जाके काम भी करना पड़ेगा, बहुत सारा काम बाकी है। तो फिलहाल मैं निकलता हूँ और आप लोग यहाँ का जो नज़ारा है वो नज़ारा देख सकते हो। पीछे जो धान है वो पूरा का पूरा धान का खेत है और पीछे देखो जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था ईटा बीटा का रास्ता है। तो देखो ईटा का रास्ता है, क्या बताऊँ। तो चलो फिलहाल निकलते हैं। लेकिन दोस्तों क्या बताऊँ, यहाँ का जो नज़ारा है गांव का नज़ारा, मैं भी गांव में ही रहता हूँ तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग है। देखो जो धान है वो अभी जो पकने ही वाले हैं और पकने के बाद दोस्तों यहाँ पर तो एक काट ही देगा। तो ठीक है फिलहाल निकलते हैं। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट एक ब्लॉग वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।